हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सिंगल कलर का पैटर्न लेके आई हूँ। आप इस पैटर्न को ऑल प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए और बेबीज के लिए। इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप, मफलर, शॉल, ब्लैंकेट आदि पे डाल सकते हैं। बेबीज के ऑल प्रोजेक्ट पे ये बहुत ही सुंदर ये पैटर्न आता है बनके। सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालने हैं, फिर उसके बाद कोई सा भी बॉर्डर बना के तैयार कर लेना है और उसके बाद हमने फ्रंट साइड से अपना ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करना है। 10 नंबर की सिलाई में हमारा ये पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 6 के मल्टीपल में फंदे डालने प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा डालने, यानी कि 6 के जोड़े के हिसाब से हम फंदे डालेंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। आप इस पैटर्न को किसी भी कलर में बना सकते हैं। यदि आपके पास धागा मोटा है तो आप इस पैटर्न को 9 नंबर की सिलाई में बना सकते हैं। ये हमारे पैटर्न का फ्रंट साइड है और ये देखिए, ये हमारे पैटर्न का बैक साइड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब देखिए, फ्रंट साइड से हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट रो में जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको हमने उतार लेना है, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। देखिए, एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो देखिए, 1, 2, ये 3, 4 और देखिए 5। ये 5 फंदे हमने सीधे बुन दिए। अब देखिए, 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर देखिए 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 फंदे हमने सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 5 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। इस तरह हमने फ्रंट साइड से अपनी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए, बैक साइड से सेकंड रो एक्स्ट्रा फंदा उतार लेंगे। अब देखिए, फ्रंट साइड से जो फंदा उल्टा बुना है ये वाला, इसको हमने बैक साइड से उल्टा ही बुनना है। ये बैक साइड से हमने उल्टा बुना, फिर देखिए यहाँ पे धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुना, फिर देखिए धागा अपनी साइड को करेंगे और देखिए यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 3। ये 3 फंदे उल्टे बुने, फिर देखिए धागा पीछे करेंगे और देखिए ये जो फंदा उल्टा बुना है इससे पहले वाला फंदा, इसको हमने बैक साइड से सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए फ्रंट साइड से जो फंदा उल्टा बुना है उसको हमने बैक साइड से उल्टा ही बुनना है। ये बैक साइड से हमने उल्टा बुना, फिर देखिए धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, ये देखिए 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 3 फंदे उल्टे आ गए, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड और देखिए फ्रंट साइड से जो फंदा उल्टा बुना है इसको हमने बैक साइड से भी उल्टा ही बुनना है, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह हमने बैक साइड से अपनी सेकंड रो
कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतारेंगे और देखिए दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और दो, ये दो फंदे सीधे बुने, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, और देखिए यहाँ पे तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन, ये तीन फंदे हमने सीधे बुन दिए, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन, ये तीन फंदे सीधे बुन दिए, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, तीन फंदे सीधे। इस तरह हमने फ्रंट साइड से अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो, अब फोर्थ रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार लेंगे और देखिए नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट फंदा भी उल्टा बुनेंगे, अब देखिए नेक्स्ट फंदा भी उल्टा बुनेंगे, तो देखिए एक्स्ट्रा फंदा सहित हमने चार फंदे उल्टे बुन दिए। अब देखिए फ्रंट साइड से जो एक फंदा सीधा है उसको हमने ऐसे धागा पीछे करना है और बैक साइड से सीधा बुन लेना है, ये सीधा बुन दिया, फिर धागा अपनी साइड, अब देखिए एक दो तीन चार और पाँच, ये पांच फंदे हमने उल्टे बुन दिए, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा बैक साइड से हमने ये सीधा बुन लेना है। ये देखिए ये फ्रंट साइड से सीधा फंदा था तो बैक साइड से ये सीधा आ गया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, ये दो हो गए, ये तीन चार और देखिए पांच, ये पांच फंदे उल्टे बुन दिए, फिर देखिए धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, पांच फंदे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह हमने बैक साइड से अपनी फोर्थ रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए लास्ट में चार फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए ये बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो, अब फिफ्थ रो में हमने अपने पैटर्न को रिपीट करना है। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करते जाना है और बनके देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतारेंगे और देखिए इसके बाद इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, ये जो सेकंड नंबर का फंदा है इसको हमने उल्टा बुनना है, फिर पाँच फंदे सीधे, फिर देखिए जो छठवें नंबर का फंदा आएगा उसको उल्टा बुनेंगे, फिर पाँच फंदे सीधे और छठवें नंबर के फंदे को उल्टा बुनेंगे। इस तरह हमने अपने पैटर्न को रिपीट करते जाना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।